बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिवील द सीक्रेट। नाज़रीन, इससे पहले भी हमने कई प्रोग्राम किए और उसमें पर्दाफाश किया मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ मैजिक ट्रिक्स के बारे में। आज भी हम कुछ इसी तरीके से एक मैजिक ट्रिक का जो है वो पर्दाफाश करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें कुछ चार चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं और मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। एक गिलास है जो कि हम शीशे का यूज़ करेंगे, इसके अलावा दो रुमाल की जो है जरूरत पड़ेगी और एक रबर बैंड। चलिए करते हैं स्टार्ट। नाज़रीन, ये गिलास है बिल्कुल खाली और इसके अंदर हम इस तरह का एक रुमाल जो है वो रखेंगे। हमने यहाँ आपके सामने बिल्कुल सारे रुमाल के अंदर रख देना है आपने, ठीक है। तो ये मैंने जो है सारा रुमाल जो है इसके अंदर प्लेस कर लिया है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हर तरफ से देख सकते हैं। ये मैंने सारा जो है रुमाल इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब जो है ये वाला रुमाल आपने लेना है इस तरीके से, तो आपने इसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसके ऊपर रखूँगा और इसको कर दूँगा इस रबर से बंद, ठीक है। इसका माउथ जो है इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से कि ये बिल्कुल जो है वो हर तरफ से बंद है। और अब हमने क्या करना है, इसकी बैक साइड से यानी कि इस साइड से जो कि बिल्कुल सॉलिड है, हम यहाँ से निकालेंगे रुमाल। तो किस तरीके से निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो इस पर थोड़ा सा जो है हम मंत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम निकालेंगे बिल्कुल सॉलिड है, कोई भी यहाँ पर सुराख नहीं है, कोई आपको जो है इस तरह से कोई चीज़ नजर नहीं आ रही, लेकिन हम निकालेंगे इसकी बैक साइड से निकाल देते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने निकाला है, तो इस तरीके से। अब ये हुआ कैसे देखते हैं जी। नाज़रीन, करते हैं पर्दाफाश, इसके पीछे क्या राज था। तो ये ग्लास बिल्कुल आप मामूली घर वाला ले सकते हैं, इसके पीछे देखें बिल्कुल ये सॉलिड है, कोई सुराख मौजूद नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये जिस तरह मैंने पट्टी रखी है तो इसको रखने का तरीका चेक करें। मैंने इसको कुछ इस तरीके से प्लेस किया है, ठीक है, लेयर्स बनाई हैं, मैंने लेयर्स बनाता जा रहा हूँ और लेयर बना के मैंने रखी है। और एंड पे मैंने क्या किया था, ये देखिए इस तरह से इसकी जो आपको कोना नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा बाहर, ठीक है, मैंने इसको नीचे करने की कोशिश की लेकिन ये फिर बाहर आ जाता है। ट्रिक की कुछ ऐसी है कि बिल्कुल बाहर आ जाता है ये कोना इस तरीके से, तो आपने थोड़ा सा बाहर रहने देना है। ये रुमाल थोड़ी सी चलाकी के साथ आपने इस तरीके से रखना है और ये देखें बिल्कुल दूसरी साइड से ये आपने इस तरह से अंगूठे के साथ, क्योंकि जब रुमाल रख रहे होंगे तो ये आपको थोड़ा सा नीचे खींच लेंगे इस तरीके से, थोड़ी सी चलाकी। रबड़ बैंड जो है वो लगाएंगे, तो रबड़ बैंड जब लगा दिया, रबड़ बैंड लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्लेस कर देना है और आप बिल्कुल दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ से बिल्कुल भी, और इस तरफ से भी आप दिखा सकते हो हर तरफ से, लेकिन वो वाली साइड नहीं दिखानी आपने जिस तरफ से आपने कोना दिखाया है तो वो नहीं दिखानी है, लेकिन बाकी साइड आप दिखा रहे हो तो ऑडियंस को ऐसे लग रहा है कि जैसे सारी तरफ से जो है मैंने दिखा दिया। अब आपने बड़ी चलाकी के साथ इसको अंगूठे के साथ ऊपर लेके आना है और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है अगले बंदे को लगे कि ट्रिक हो रही है, जादू हो रहा है, तो आपने क्या करना है कुछ मंत्र शंत्र पढ़ के इसको ऐसे निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट भी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ये थी मेरी मैजिक ट्रिक, उम्मीद करता हूँ कि ये मैजिक ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की जो ट्रिक्स हैं उससे मज़ीद जो है हम सीक्रेट बोल रिवील कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।